स्टूडेंट लेसन फर्स्ट द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फॉर टॉपिक डिड वुमेन हैव अ रिवॉल्यूशन। अब कैसे महिलाओं ने अपना जो योगदान दिया था उस क्रांति में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था उसमें, उस समय जो महिलाओं की कंडीशन थी, द कंडीशन ऑफ वुमेन इन फ्रांस अंडर द ऑल्डिज्म। अब ऑल्डिज्म का मतलब होता है कि जो पुराने शासन के समय जो महिलाओं की जो कंडीशन थी वो किस टाइप की थी। तो फर्स्ट था मोस्ट वुमेन ऑफ थर्ड स्टेट, इसमें मैं सबसे ज्यादा जो बात कर रही हूँ जो थर्ड स्टेट की महिलाएं थी, वर्क हार्ड फॉर अ लिविंग, कि वो किस टाइप से कठिन परिश्रम करती थी। दे डिड स्मॉल जॉब, वो किस टाइप से छोटी छोटी जॉब्स करती थी, सेम स्ट्रेस लॉन्ड्रेसेस फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड फ्लावर सेलर्स डोमेस्टिक सर्वेंट एटसेट्रा। मतलब वो महिलाएं उस समय जो है ना कपड़े सिलना, धोबी धोबी गार्ड मतलब कि वो लॉन्ड्री करना, फ्रूट्स बेचना वेजिटेबल्स बेचना, फ्लावर सेलर करना और घरों में भी जाके वर्क वगैरह करना, तो इस टाइप से महिलाएं वो काम करती थी। मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग, और उन महिलाओं को पढ़ने की एजुकेशन की और उसकी ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती थी। मतलब उन लोगों को इस चीज से पीछे रखा जाता था। ओनली डॉटर ऑफ नोबल एंड वेल्थियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी। अब उसमें भी केवल उन महिलाओं उन बच्चियों को जो नोबल्स की मतलब कि हम लोगों ने जब सोशल उसमें बात करी थी सोशल कैटेगरीज में जिसमें जो नोबल्स की थी या वेल्थियर मेंबर्स जिसमें मिडिल क्लास वगैरह का, ये जो थर्ड स्टेट की जो अच्छी मतलब घरों से जो लोग थे वो लोग ही वो पढ़ाई वगैरह को कर सकते थे। और आफ्टर विच देयर फैमिलीज, और उसके बाद में जो उनकी फैमिलीज थी वो क्या करती थी, उनकी अरेंज मैरिज मतलब उनकी उनकी शादी करवा दी जाती थी। वो मतलब वो महिलाएं वो बच्चियां जॉब वगैरह और वो नहीं कर सकती थी, बस पढ़ाई हो गई है उन बच्चों की भी तो उनकी शादी करवा दी जाती थी। वर्किंग वुमेन कैन ऑल्सो टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, डेट इज टू कुक फैच वाटर लुक आफ्टर द चिल्ड्रन फॉर ब्रेड। अब क्या होता था कि जो और भी महिलाएं क्या काम करती थी कि जो फैमिलीज में एक तो खाना बनाने का या पानी लाना, बच्चों की देखभाल करना, केयर फॉर ब्रेड और ब्रेड के लिए मतलब पंक्तियों में खड़े रहना, इस टाइप का वर्क जो महिलाएं थी वो करती थी। किस समय जो कंडीशन ऑफ वुमेन मतलब कि जो ओल्डिज्म जब राजा महाराजा जो पुराना जो शासन था उस समय। और भी क्या होता था, वेजेस ऑफ वुमेन वर लोअर देन दोज ऑफ मेन। अब महिलाएं जितना भी वर्क करती थी उसमें सबसे ज्यादा क्या होता था कि दोनों की जैसे मेन और वुमेन दोनों ही वर्क कर रहे हैं बच्चों, तो महिलाओं को वेजेस यानी कि उनकी जो सैलरीज होती थी वो मेन की अपेक्षा कम होती थी। वर्क तो दोनों का बराबर हो सकता था लेकिन फिर भी जो सैलरी दी जाती थी वो वुमेन की बहुत कम थी। तो इस टाइप से जो सोशल उसमें जो देखा जा सकता है कि वुमेन की जो कंडीशन थी वो किस टाइप की थी और वो कैसे चेंजेस चाहते थे। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सेम लो डेट हेल्प वुमेन इम्प्रूव देयर लिव्स। इसलिए उन्होंने सरकार ने क्या इंट्रोड्यूस किया, एक नया कानून, सम लो, लो का मतलब होता है एक कानून जो हेल्प कर रहा था उन महिलाओं की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए थे, फर्स्ट था स्कूल, सेकेंड मैरिज, थर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज, डिवोर्स और जॉब। इस टाइप से पांच जो अलग अलग जो कानून उनकी हेल्प कर रहा था। फर्स्ट था स्कूल, विद द क्रिएशन ऑफ स्कूल स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर गर्ल्स। अब क्या किया था गवर्नमेंट ने कि जो महिलाएं थी बच्चे थे जो गर्ल्स थी उनके लिए स्कूल कंपलसरी कर दिए थे कि हर गर्ल्स को अब पढ़ाई करनी है। तो फर्स्ट जो चेंजेस हुआ था वो था कि उनकी पढ़ाई के लिए। सेकेंड, देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम टू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, कि उनकी मैरिज के लिए उनको कोई भी फोर्स नहीं कर सकता था। अगर वो बच्ची करना चाहती है तो ठीक है, अदरवाइज उसको जबरदस्ती फोर्स करके, पहले क्या होता था कि बहुत मतलब कि बच्ची बड़ी हुई और उसकी फोर्स करके शादी करवा दी जाती थी, तो उन सारी चीजों पे बैन हो गया था। मैरिज वॉज मेड इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। अब एक उनके लिए एक ऐसा कानून बना दिया गया था कि वो बच्ची चाहे तो अपना डिसीजन ले सकती है, अगर वो फ्रीली रहना चाहती है तो रजिस्टर्ड मैरिज भी, अगर कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो भी वो
कर सकती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर वो थोड़े टाइम तक उनके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं मतलब वो रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, तो उस टाइप से रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं फॉर ए डिवोर्स। डिवोर्स से डिवोर्स ऑन मैन लीगल कुड बी अप्लाई बाय बोथ वुमेन एंड मैन। आप दोनों, चाहे उन दोनों का आपस में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं बैठ रहा है, तो मैन हो या वुमेन, दोनों ही डिवोर्स के लिए भी लीगली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस टाइप से उनके लिए जो कानून था वो लागू कर दिया गया था। लास्ट है जॉब। वुमेन कुड नाउ प्लान फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट टू और रन अ स्मॉल बिजनेस। अब महिलाएं चाहे तो वो जॉब भी कर सकती थी और छोटा मोटा कोई बिजनेस भी करना चाहती है, कोई ट्रेनिंग भी करना चाहती है तो वो आराम से कर सकती थी। तो इस टाइप से महिलाओं के लिए एक नया जो वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यू। अब किस टाइप से महिलाओं ने स्ट्रगल किया, संघर्ष किया और उनको भी समानता का अधिकार मिल गया। किसमें मिला? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था उसमें, जो आपने मैंने बताया था पहले बच्चों के एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, जिसमें मैंने बताया था कि महिलाओं को राइट्स नहीं था वोटिंग करने का, और वो धीरे धीरे करके महिलाओं ने जैसे ही कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उन्होंने अपना जो योगदान दिया, धीरे धीरे वो आगे बढ़ती गई। मैनी जिसमें मैनी प्रोमिनेंट वुमेन वर अरेस्टेड, बहुत सारी महिलाओं को अरेस्टेड भी किया गया था, और एंड अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब होता है सजा देना। किस टाइप की? कि बहुत सारी महिलाओं को फांसी की सजा भी दी गई थी, लेकिन वो महिलाएं पीछे नहीं हटी। उन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोगों को तो इस क्रांति में आगे बढ़ना ही है और हमको हमारा राइट्स चाहिए। तो और वास्तव में क्या होता है, इट वाज फाइनली इन 1946 डेट वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। और फाइनली क्या हो जाता है, फ्रांस में महिलाएं 1946 में जीत जाती है और उनको राइट्स मिल जाता है। किस चीज का? कि वो भी वोट दे सकते हैं। तो इस टाइप से महिलाओं ने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे के, किसमें, रिवॉल्यूशन में, क्रांति में अपना योगदान दिया, और उनकी जो जिस टाइप की कंडीशन थी पहले लेके ऑल्डिज्म में और बाद में किस टाइप से चेंजेस हुआ, उन्होंने किस टाइप से अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे के उसमें चेंजेस किया और वो आगे बड़ी। ओके, थैंक यू।